हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसके पार्ट 3 के अंतर्गत आज हम सोशलिस्ट पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। सोशलिस्ट पार्टी जो समाजवादी विचारों की पोषक थी, इसका गठन किस तरीके से हुआ और सोशलिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है वो किस तरीके की विचारधारा है और कौन कौन से नेता इस दल से जुड़े रहे, इसके बारे में हम लोग आज की इस ऑनलाइन कक्षा में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह बरगद का वृक्ष यहाँ पर दर्शाया गया है। यह सोशलिस्ट पार्टी का प्रारंभ हुआ यह चुनाव चिन्ह रहा। सोशलिस्ट पार्टी जो जड़ है आजादी से पूर्व कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मौजूद रहे। आजादी से पूर्व जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे वह कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर ही काम कर रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले भाग में यह चर्चा की कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधन भी था, या कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर बहुत से विचारधाराओं के लोग इसी के अंदर रहकर काम कर रहे थे और वो आगे जो है बढ़ रहे थे, पोषित हो रहे थे। वो निरंतर जो है इस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही जो है अपने विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो सोशलिस्ट पार्टी भी इन्हीं पार्टियों में से एक है जिस पार्टी के द्वारा लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही अपने, आप कह सकते हैं कि अपनी विचारधारा को, अपने जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। सन 1934 में जब विभिन्न चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जो विचारों में हम कहें कि टकराहट उत्पन्न होने लगी, विभिन्न कार्यक्रमों में इनके बीच में मतभेद होने लगे, तो इन मतभेदों के कारण जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले बहुत से युवा कांग्रेसी थे, उनके द्वारा एक कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही एक नए शाखा का निर्माण करने का प्रयास किया गया। एक नए, हम कह सकते हैं कि भाग को बनाने का प्रयास इसी कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ, जिसको हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयास जो है सन 1934 में कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले जयप्रकाश नारायण और रामवृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में पटना बिहार में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया और जयप्रकाश नारायण इस बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव बने। यह जो गठन किया गया था, यह क्षेत्रीय स्तर पर यह गठन किया गया था और अब समाजवादियों का यह मानना था कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर समाजवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए, समाजवादी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर इसका गठन किया जाना चाहिए। तो 23 अक्टूबर 1934 में बॉम्बे में समाजवादी की एक कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और मीनू मसारी को इस पार्टी का संयुक्त सचिव बनाया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और अपने गठन के पश्चात लंबे समय तक, हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद तक इस पार्टी ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहकर हम कह सकते हैं कि एक शाखा के रूप में इस दल के द्वारा, इस पार्टी के द्वारा काम किया गया और इस पार्टी के द्वारा जो समाजवादी विचार है उनको कांग्रेस के मंच पर रखने का प्रयास किया। जो भी आप कह सकते हैं कि समाजवादी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको
आगे ले जाने के लिए इस पार्टी के द्वारा विभिन्न स्तर पर जो है प्रयास किए गए। आजादी के बाद सन 1948 में कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई और कुछ समय के बाद इससे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से यह सोशलिस्ट पार्टी बन गई और एक नई पार्टी के रूप में यह अस्तित्व में आई। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके उदय के पीछे क्या कारण थे, जबकि समाजवादी जो लोग थे वह कांग्रेस पार्टी में रहकर काम कर रहे थे। इसके बावजूद इस पार्टी के उदय के पीछे क्या कारण रहे, तो इसके जो मुख्यतः इसके पीछे उदय के कारण हम मानते हैं वो है कि कांग्रेस की नीतियों से असहमत होना, कि जो समाजवादी विचारधारा के पोषक ये युवा थे, खासतौर पर जिनमें जयप्रकाश नारायण हैं और आचार्य नरेंद्र देव हैं, इसके अलावा मीनू बसानी, अशोक मेहता, ये जो लोग थे ये कांग्रेस की जो विभिन्न नीतियां थी जो पूंजीवाद की पोषक थी, या जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि एक उच्च वर्ग और धनाढ्य वर्ग के जो है नीतियों का समर्थन कर रही है, तो इससे ये लोग सहमत नहीं थे। और इसमें खास तौर पर जो कांग्रेस के बड़े नेता थे पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो भी कहीं ना कहीं समाजवाद के पक्षधर थे, वो समाजवादी नीतियों का उनके जीवन में बड़ा वृत्त प्रभाव देखने को मिलता था। इसके बावजूद वह इस दल से, जो समाजवादी दल था या सोशलिस्ट पार्टी जिसको हम बोलते हैं, इस दल से उनका जुड़ाव नहीं रहा, तो इस तरीके से ये कांग्रेस को अधिक समतावादी और परिवर्तनकारी देखना चाहते थे। ये कांग्रेस की जो विभिन्न नीतियां थी, जो हम कह चुके हैं कि जो पूंजीपति और जो जिम्मेदार जो लोग थे, जिम्मेदारी प्रथा यहाँ पर थी, तो उनकी पोषक कहीं ना कहीं हुआ करती थी। तो समाजवादी जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो देश को अधिक से अधिक जो है समतावादी बनाना चाहती थी, सबको जो है आर्थिक समानता स्थापित हो, समाज में गरीब और जो मजदूर वर्ग है उसके हितों के लिए काम किया जाए, और परिवर्तनकारी जो हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस गुलामी से हमें अति शीघ्र जो है मुक्त होना चाहिए। लेकिन ये जो है इसके लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहते थे। जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी हिंसा को अपनाने के लिए तैयार थी, वो जो है क्रांति करना चाहती थी, इससे थोड़ा अलग हट के ये लोकतांत्रिक जो है हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक विचारधारा को मानते हुए समाज में जो है आवश्यक सुधार करना चाहती थी। तो जब कांग्रेस के द्वारा जो है जो परंपरागत नीतियों का ही समर्थन किया गया, उसके द्वारा जो है शीघ्रता के साथ जो है परिवर्तन करना और जो है समतावादी समाज की नीतियों पर चलने का प्रयास नहीं किया गया, तो इसके कारण इन युवाओं के द्वारा एक नए दल के गठन का प्रयास कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही किया गया। दूसरा, समाजवादी गांधी जी के समझौतावादी नीति से असहमत थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय गांधी जी के द्वारा किया गया, ये जो समाजवादी विचारधारा के ये पोषक लोग थे वो इनका विरोध करते थे। इनका मानना था कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलन चरम पर था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी द्वारा अचानक जो है आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया गया, वो कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है। कहीं ना कहीं यह जो अंग्रेज है उनको यह मौका देता है कि वो अपनी पकड़ जो है पुनः और मजबूत जो है देश पर करें। तो चाहे वो असहयोग आंदोलन वापस लेने की बात हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने की बात हो, समाजवादी जो है इस बात से सहमत नहीं थे। वो कहीं ना कहीं इसको भारत की आज़ादी के लिए एक जो है गांधी जी के इस कदम को बहुत घातक मानते थे, और उनका मानना था कि गांधी जी के द्वारा जो ये निर्णय लिए गए हैं ये देश हित में नहीं है। तो इन निर्णयों के कारण जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये सारे नेता जेल में डाल दिए गए, जब ये
गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस लेने की बात की गई, और ये जब ये अप्रैल 1932 के बाद जो है धीरे धीरे जो है जेल से छूटने लगे, तो इसके पश्चात इन समाजवादी विचारकों ने आपस में मंथन करके ये निर्णय लिया कि हम जो है एक नए दल सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही रहकर करेंगे, और यह दल जो है समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, समाजवादी कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करेंगे। अगली चीज है कि सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन थे, कि सोशलिस्ट पार्टी के अंदर जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, एस एम जोशी जैसे ये समाजवादी विचारधारा को मानने वाले नेता इस पार्टी से जुड़े हुए थे। और अगली जो महत्वपूर्ण चीज है कि सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा, यह पार्टी जो है किस तरीके के विचारों में विश्वास करती थी, इसकी क्या विचारधारा थी, तो सोशलिस्ट पार्टी जहां सोशलिस्ट पार्टी का जो मूल मंत्र है कि समाज में समानता स्थापित करना, समाज में समानता लाना, लेकिन यह कम्युनिस्ट पार्टी से थोड़े से जो है अलग विचार रखती है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी का भी जो मूल उद्देश्य है कि समाज में समानता लाना, लेकिन जहां कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए क्रांति और जो है हिंसा का रास्ता अपनाना चाहती है, वहीं सोशलिस्ट पार्टी समाज में सुधार करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही जो है धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि समाज में समानता लाने का की पक्षधर है। तो सोशलिस्ट पार्टी भी समाज में सुधार करके लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम कर जो है समाज में समानता लाना चाहती है। तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर ही समाज में सुधार करके समानता की स्थापना समाज में करना चाहती थी। इसके लिए वो जो गरीब मजदूर किसान वर्ग था उसको मजबूत किया जाए, उसके जो है हित के लिए नीतियां बनाई जाए, सरकार जो है अधिक से अधिक मजबूत होकर देश के संसाधनों पर नियंत्रण करके आगे बढ़े, ये प्रयास इस पार्टी के द्वारा इस तरीके के जो है कार्यक्रमों का जो है समर्थन किया गया। दूसरी चीज समाज में समानता स्थापित करना, कि जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि समानता की स्थापना करना सोशलिस्ट पार्टी का मूल उद्देश्य है कि समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समानता स्थापित हो सके, सभी को समान रूप से मौके मिल सके, समाज में आर्थिक रूप से इतना मतभेद न हो कि गरीब और अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई न हो, ये प्रयास किया जाए, इसके लिए जो है नीतियां बनाई जाए, ये इसका उद्देश्य था। देश की अर्थव्यवस्था का विकास और नियंत्रण सरकार के हाथों में, यह जो है पूंजीपतियों को या जो है अर्थव्यवस्था को खुली छोड़ने की पक्षधर यह पार्टी नहीं थी। यह पार्टी चाहती थी कि अर्थ जो विकास के जो प्रयास हो और जो अर्थव्यवस्था है उस पर जो है सरकार का नियंत्रण हो, सरकार अपने हाथों में देश के सभी संपूर्ण संसाधनों को ले और उसका जो है उपयोग जो है देश के हित में, जनता के हित में करे, जो है सरकार का अधिक से अधिक नियंत्रण हो, यह इस पार्टी की विचारधारा थी। देश में जमीन का पुनर्वितरण किया जाए, कि जो भूमिहीन लोग हैं, किसी के पास जो है अत्यधिक जमीन है और कुछ लोग जो है भूमिहीन है, तो जमीन का जो है पुनर् जो है बंटवारा किया जाए, उसका पुनर्वितरण किया जाए, ताकि सभी लोगों को जो है अपनी आजीविका यापन करने के लिए न्यूनतम जो है जमीन उपलब्ध हो सके, और जो है किसी के पास जो है पूरी जो देश में जो है पूरी जमीनें जो है किसी एक व्यक्ति के कब्जे में न रहे, इसके लिए नीतियां बनाई जाए, इसकी समर्थन यह पार्टी थी। इसके अलावा सरकार द्वारा सहकारिता और सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया, इस पार्टी का मानना था कि सहकारिता और सामूहिक खेती को बढ़ावा देकर ही जो है देश में विकास किया जा सकता है, इससे एक और जो है समाजवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है, समाज में समानता स्थापित की जा सकती है, और यदि जो है सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाए तो सरकार जो है इसके कारण जो है उपभोग और जो है वितरण में भी जो है समानता ला सकती है, ताकि इसका लाभ जो है सभी लोगों को मिल सके, ये प्रयास किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से सोशलिस्ट पार्टी जो थी कुछ विशेष विचारधाराओं में विश्वास रखती थी,
जो अन्य पार्टियों से जो है कुछ अलग जो है विचार इसके थे। अगला सोशलिस्ट पार्टी सन 1948 में, जैसे मैं बता चुका हूं कि जो उससे पूर्व कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, वह जो है 1948 के बाद कांग्रेस से अलग हो गई और इसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाया और यह अब जो है सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाने लगी। सन 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और जो आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में जो दूसरा दल था कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, इन दोनों का विलय हुआ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई और यह पार्टी लंबे समय तक जो है भारतीय राजनीति में रही। लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो है अलग हो गई और इससे सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और इसका एक धड़ा जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहलाया और दूसरा जो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो अलग हुआ उसको सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। और फिर जो है इन दोनों दलों का जो है इसके पश्चात प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी पुनः जो है ये मिलकर जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में अस्तित्व में आए और जिसके बाद जो है पुनः इनका विभाजन हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी समय समय पर जो आपसी विचारधाराओं के टकराहट के कारण यह पार्टी एक हम कह सकते हैं कि सशक्त पार्टी का रूप नहीं ले पाई और समय समय पर इस सोशलिस्ट पार्टी से जो विभिन्न नए गुण उभरकर सामने आए जो वैचारिक रूप से और एक दूसरे से मतभेद रखते थे, जो जिसके कारण यह दल भारत की चुनाव प्रणाली में भी, या हम कहें कि जब भारत में जो चुनाव हुए उसमें एक मजबूत दल के रूप में उभर कर सामने नहीं आ पाया। जहां यदि हम पहले आम चुनाव की बात करें तो लोकसभा की 489 सीटों में से इस दल के द्वारा केवल 12 सीटें प्राप्त की गई, यह दल जो है तीसरे स्थान पर रहा। उसी तरीके से दूसरे आम चुनाव में भी यह दल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में लड़ा और इस दल को केवल 19 सीटें प्राप्त हुई। और इसके बाद 1962 के चुनाव में भी यह दल केवल जो है 12 सीटें प्राप्त करने में सफल रहा। तो इस तरीके से सोशलिस्ट पार्टी हम कह सकते हैं कि अन्य दलों जो कांग्रेस की तुलना में हम कह सकते हैं कि उतने अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पीछे बहुत से कारण थे। एक तो जो है कि दल में जो नेता थे उनके आपस में जो मतभेद थे जिसके कारण यह दल निरंतर जो है आगे नहीं बढ़ पाया और कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से भी जो समाजवाद को लेकर जो इनकी वैचारिक भिन्नता थी उसने भी जो है इस पार्टी को समय समय पर तोड़ने का काम किया। तो आज की इस कक्षा में हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस तरीके से हुआ, कब इसका गठन किया गया, इसके पीछे क्या कारण थे और सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता कौन थे इसके अंतर्गत और सोशलिस्ट पार्टी की क्या विचारधारा है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।